जी हाँ, हम है ना समृद्धि टाउनशिप, शहर की खूबसूरत लोकेशन पर स्थित, बाईपास से 1 किलोमीटर और बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन से चंद मिनटों की दूरी पर। समृद्धि टाउनशिप पूर्णतः वेद विकसित सुरक्षित और सर्व सुविधा युक्त कॉलोनी। समृद्धि टाउनशिप, कलेक्टर बंगला, मेन रोड, खंडवा। कल खंडवा शहर के अंदर एक हिंदू राष्ट्र कावड़ यात्रा निकली थी, जिसको लेकर आज हम लोगों ने माननीय गृह मंत्री जी के नाम एक ज्ञापन दिया है। और उस कावड़ यात्रा के निकलने का मकसद तो ये होना चाहिए था कि जिस तरीके से सनातन धर्म के अंदर कावड़िये जो निकलते हैं तो बड़ी शालीनता से निकलते हैं, लेकिन देखने में ये आया है कि खंडवा शहर के अंदर जिस तरीके से कावड़ यात्रा का आयोजन होता है वो सिर्फ एक धर्म को चिढ़ाने वाला एक काम होता है। और हुआ यही कि कावड़ यात्रा जब निकल रही थी तो उसने शहर के अंदर पूरे 10 घंटे अपना प्रदर्शन किया। उसके अंदर चलने वाले कावड़ियों के साथ साथ महिलाएं भी थी जिनके हाथों में तलवारें थी। कहीं ना कहीं उनका उद्देश्य कुछ और था, ना कि सनातन धर्म की कावड़ यात्रा थी। वो शहर में उत्पात मचाना चाहते थे और शहर की फिजा को खराब करना चाहते थे। पूरे 10 घंटे के बाद उन्होंने 4 घंटे जो है कहारवाड़ी मछली बाजार के अंदर अपना वक्त बिताया और एक समाज विशेष को टारगेट करते हुए नारेबाजी करी। मुस्लिम समाज ने अपना संयम नहीं खोया और जो हमारे जो हम लोग जो लीडरशिप करते हैं हम लोगों से उस बात की शिकायत करी। हम लोगों ने ये कहा कि आप लोग शांति से रहो, प्रशासन जो है वो अपना काम करेगा। हम लोगों ने कल जो है जितने भी फुटेज आए थे माननीय अधिकारी महोदय को जो है उपलब्ध करवा दिए। आज एक सीडी के मार्फत हमने माननीय गृह मंत्री जी को भी अवगत करवा दिए हैं और हम ये चाहते हैं कि जिन लोगों ने ये शरारत करी है, जिसके फुटेज उपलब्ध है, उन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और हमारे शहर में, मैं तो इसे अपना ही शहर कहूंगा, ये जिस तरीके से ये रोज रोज एक चल समारोह जो निकलता है इस पे भी प्रशासन ध्यान दे। और मछली बाजार एरिया या कहारवाड़ी एरिया, एक मस्जिद जो कहारवाड़ी के अंदर है वहां पर भी रुक के इन्होंने जो हनुमान चालीसा का पाठ किया है, मेहरबानी करके ये तमाम चीजें अपने मंदिरों में करें, अपनी इबादत गाहों में करें। कोई भी मजहब किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं है, हर मजहब अपने अनुयायियों को ये संदेश देता है और ये भी संदेश देता है कि हमको किसी मजहब की बुराई नहीं करना चाहिए। इस्लाम भी हमें यही सिखाता है और हम इस पे पाबंदी के साथ अमल करते हैं। रही बात लीडरशिप की, तो लीडरशिप जो है वो जो लोग आयोजन करता थे वो उस वक्त कहाँ चले गए थे जब मछली बाजार में शहर का माहौल खराब हुआ। उन लोगों की जिम्मेदारी थी, उनका काम था कि वो अपने बच्चों को समझा के लेके जाते, उसके बाद भगदड़ होती है, भगदड़ के अंदर पुलिस प्रशासन की जो गाड़ियां वहां खड़ी थी उस पर पथराव होता है। मेन हमारी इबादत गाह जो हम एक दरगाह है वहां पर उस पर पथराव किया जाता है। मदरसे के अंदर जो बच्चे हमारे तालीम हासिल करते हैं उन मासूम बच्चों पे पथराव किया जाता है। तो आप किस प्रकार का इस शहर के अंदर संदेश देना चाहते हैं? मैं आपके माध्यम से उन लोगों से ये अपील करता हूँ कि हमारा शहर हम सबका शहर है, हम चाहते हैं कि आपस में मिल बैठ के एक दूसरे के त्योहार मनाए और इस गुलिस्ता को कायम रखे, ना कि नफरतों के बाजार को गर्म करे। घर में हो शादी विवाह या कोई भी मांगलिक आयोजन, टेंशन किस बात का? रश्मि टेंट हाउस वाले जगदीश भाई का दशमेश परिसर अवस्थी चौराहा और रश्मि मांगलिक परिसर सेठी नगर है ना? जी हाँ, जहाँ आपको मिलेगी सारी व्यवस्थाएं जैसे केटरिंग, साउंड, स्टेज, लाइट्स, डेकोरेशन और वो सब जो बनाएगी आपके आयोजन को और भी बेहतर। तो फिर देर किस बात की, शीघ्र ही बुक करें। संपर्क जितेश कपूर 9770434886, नितेश कपूर 9827537488।